हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आइडियल टेक पर और मैं हूं मुस्तफ़ा। और आज हम बात करने वाले हैं कि जियो फोन पे किस तरह से शेयरइट यूज़ करें। तो दोस्तों, आज इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मेरा वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस मिलेंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, ये किस तरह से शेयरइट यूज़ करना है जियो फोन में देखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दोस्तों, पहले तो आपको ओपन कर लेना होगा शेयरइट, जो एंड्रॉयड फ़ोन में लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। फिर वहाँ पे आपको जाना होगा व्हाट्सएप वेब में। तो फिर यहाँ पे आपको जो फाइल सेंड करनी है उसे सेलेक्ट करना होगा। मैं म्यूज़िक सेलेक्ट करता हूँ और कोई दो या तीन म्यूज़िक भेज देता हूँ, सॉन्ग्स भेज देता हूँ। तो उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेब शेयर में किस तरह का ऑप्शन आ चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपके जो स्मार्टफोन में है उसमें जो है हॉटस्पॉट ऑन हो चुका होगा। तो अब आपको जियो फोन पर जाना है और उसमें जो है सेटिंग्स पर जाकर वाईफाई को ऑन कर लेना है। तो मैं अभी वाईफाई ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे जो अवेलेबल नेटवर्क्स है वहाँ पे जाके जो मेरा ये नेटवर्क दिखा रहा है उसे मैं जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसे कनेक्ट हो जाने के बाद मैं मेरे ब्राउज़र पर जाऊँगा। तो ब्राउज़र पर आपको जो है यहाँ पे जो दिखा रहा है इसमें जो आपके स्मार्टफोन पे http://, और जो है 192, उसे जो है आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। इस आपके जियो फ़ोन के अंदर बारकोड स्कैनर नहीं है तो आप उसे स्कैन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ब्राउज़र पर जाकर उसे लिखना होगा। तो उसे मैंने लिख लिया है और मैं अब सर्च करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन पर जो है शेयरइट आ चुका है, और यहाँ पे जो भी मैंने सेंड किया था वो दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉन्ग्स आ चुकी हैं, तीन सॉन्ग्स मैंने भेजी थी। तो अब वहाँ पे आपको जो यहाँ पे एरो मार्क्स दिखा रहे हैं जैसे कि डाउनलोड के एरो मार्क्स, उसे पर क्लिक कर देना है और आपके फ़ोन पर जो है वो रिसीव हो जाएंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप ऊपर देख सकते हैं कि डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। तो बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों ये। तो दोस्तों, ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, इसमें आपका कोई डाटा वगैरह कुछ भी इंटरनेट वगैरह नहीं जाएगा, बिना इंटरनेट के सभी जो है डाउनलोड हो जाएगा। जो डाउनलोड दिखा रहा है वो उसका मतलब भी है रिसीव, तो इसमें डाटा नहीं जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको ट्रिक, उम्मीद करता हूँ इसीलिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन आपको इस तरह से जो है टेकी वीडियोज़, जो ट्रिक वीडियोज़ है आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।